हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है मेरा नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग ऐसा है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि अपने फेस की केयर कैसे की जाती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, दिन के टाइम हम मेड से या खुद काम करके फ्री टाइम में अपने फेस की कैसे केयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एक मैंने फेस पैक बनाया है। ये फेस पैक है राइस का एज अ स्क्रबर। ये ऐसे दिखेगा आपको थोड़ा सा। इसको मैंने फाइन पीस लिया चावल को, कच्चे चावल, कोई भी चावल जो आप घर में यूज़ करते हैं वो चावल आप ले लीजिए। उसमें मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध डाला था और रात को रख दिया मैंने भिगो के फ्रिज में। ठंडा भी हो गया और चावल भी अच्छे से फूल गए, बस दैट्स इट। इसमें थोड़ा सा मैंने हनी भी डाला है जो कि हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है। और ये रेमेडीज़ जो है ये बहुत ही यूज़फुल होती है। ये दादी माँ के नुस्खे या नानी माँ के नुस्खे कह सकते हो आप। देखोगे अलग सी शाइन फेस पे आ जाती है इसे, और ये इंस्टेंट ग्लो देता है। कभी हमने पार्टीज़ में जाना है, कहीं हमने शादी में जाना है, उसे कुछ देर पहले हम क्या करते हैं, पार्लर्स में भागते हैं और इतने सारे पैसे लग जाते हैं। मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, वेरी रेयर, और खुद से घर पर रेमेडीज़ सारी यूज़ करती हूँ, होम रेमेडीज़। और इट गिव्स अस वेरी वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करती हूँ, तो उसमें मेरे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। दे आर टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, टोटली ऑर्गेनिक, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव। विंटर केयर, अभी जैसे विंटर्स आ रही है तो विंटर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। विंटर केयर लोशन है, क्रीम है, फूट क्रीम है, हेयर ऑयल है, जो कि जो बाल्ड होते हैं, गंजे लोग होते हैं, उनके भी बाल आ जाते हैं सिर में। दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। और प्राइस भी 350 रुपीज़ है, 100 ml का है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, फेस को अच्छे से क्लीन कर देना। मैंने जस्ट पियर सोप यूज़ करती हूँ, उसे मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा हमने ये राइस फ्लावर का जो पैक लिया है इसको लेके हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि ये हल्का कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि फाइन पेस्ट होता है जो मार्केट में मिलता है, दैट इज़ फाइन पेस्ट, आपको उसको कर सकते हैं, बट ये हल्का सा कोर्स है। तो इसको लेके हमने अप्लाई करना फेस के ऊपर। ये देखिए सामने मिरर है और मैं बाथरूम में ही शूट कर रही हूँ, और इसको हल्के हाथों से हमने ऐसे करना, क्योंकि इसमें हनी है जिससे इसमें स्मूदनेस आ जाती है। ये इतना अमेजिंग पैक है, इतना अमेजिंग है कि आप आफ्टर यूज़ आप मेरे को रिजल्ट्स बताओगे कि मैम हमने यूज़ किया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं अपने रिव्यूज़ की, हमने यूज़ किया और हमें इसका ये रिज़ल्ट मिला। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हमने ऐसे अप्लाई करना है। आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप क्लीन अप घर पे कर सकते हो, वेरी इजी स्टेप्स, हाफ एन आवर में अपना क्लीन अप कर सकते हो। फेस की मसाजिंग होनी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये देखिए अभी मैं आपको सारे मसाजिंग के स्टेप्स बताऊंगी, अभी तो जस्ट मैं आपको अप्लाइंग बता रही हूँ कि हाउ टू अप्लाई दिस अमेजिंग मास्क। ये हमारे फेस पे लग रहा है और आप डेफिनेटली, आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, और ये घर का है, हमें पता है हमने क्या चीज़ें मिलाई हैं और वो चीज़ें हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दीज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग्स, हनी इज, यू आर ऑल गुड टू नो कि आपको पता है उसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे फेस पे जैसे लगता है ना, आपको फील होता है येस यू हैव अप्लाइड समथिंग इन योर फेस। देखिए ये अभी लग गया, अभी हमने केवल अप्लाई किया और इसका सच में आप यकीन मानोगे, आप कहोगे कि इंस्टेंट ग्लो, ऐसे लगता है हमने क्या फेस पे लगा दिया है। जो राइस फ्लावर है ना, दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आर स्किन। आप हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो इस पैक को, बहुत ही अच्छा पैक है, और साथ में आप इसको स्किन पे भी लगा सकते हो।
अभी आपको मैं जब इसको रिमूव करूंगी तब आप देखना इसका रिजल्ट कि डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स आफ्टर अप्लाइंग दिस ब्यूटीफुल पैक, अमेजिंग पैक। ठीक है, अभी तो ये हो गया हमारी अप्लाइंग, दिस इज ओनली अप्लाइंग। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करने के बाद हमें धीरे 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 चीक्स से स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर चीक्स, हल्के हल्के स्क्रबिंग करनी है। इट विल क्लियर योर डेड स्किन एज वेल एज ब्राइटन योर स्किन एंड टाइटन योर स्किन, क्योंकि हनी का काम क्या है, हमारी स्किन को टाइट करना, बहुत टाइट करता है हनी। अगर नहीं भी कुछ आपको करना तो वीक में दो टाइम्स आप हनी में मिल्क ऐड करके, जैसे अभी विंटर्स आ गई है आप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो, आप रात को सोने के टाइम थोड़ी देर के लिए लगाइए उसको, ठीक है, और आधे घंटे बाद उसको रिमूव कर दीजिए। बेड टाइम पे इसलिए कह रही हूँ कि पूरा दिन उसमें कोई डस्ट नहीं जाती है, कुछ नहीं जाती है।